बॉटल आर्ट को लेकर ये मेरा नेक्स्ट बॉटल है। इसमें मैंने इस कांच की बॉटल में मैंने स्पार्कल कलर यूज किए हैं और ये मैं टेप कर रही हूं थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। टेप इसलिए कर रही हूं कि जहां पर मैं स्पार्कल यूज करने वाली हूं उसके उसने उस पार्ट में स्पार्कल ना लगे जहां पर मैं टेप कर रही हूं। तो मैंने इस बॉटल में ये नीचे से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के इक्वली चार जगह टेप लगा दिया है बॉटल में सर्कल में। ये फेविकॉल है और ये स्पार्कल डस्ट है कलरफुल, ये मैं यूज करने वाली हूँ इसमें। कुछ जगह पर जैसे आपने देखा मैंने टेप किया है, तो जो जहां पर मैंने टेप नहीं किया है जो सिर्फ कांच की बॉटल है उसके ऊपर ये मैं फेविकॉल लगा रही हूं। टेप इसलिए किया है कि अगर फेविकॉल इधर उधर लग जाएगा और डस्ट आ जाएगी तो वो टेप जब निकालेंगे तो वो इक्वली हमें दिखेगा, इसलिए टेप लगाया है। अब ये जहां पर मैंने एक सर्कल में दिखाया है ऊपर फेविकॉल किया है और यहां पर मैं ये स्पार्कल डस्ट डाल रही हूं थोड़ा थोड़ा सा। ये इसके बाद में जितना भी एक्स्ट्रा है वो निकाल देंगे हम किसी भी पेपर के ऊपर, जैसे मैं न्यूज पेपर के ऊपर निकाल रही हूँ। और अब मैं नीचे की तरफ कर रही हूँ, मैं मल्टी कलर स्पार्कल यूज करने वाली हूँ इसमें। आप लोग एक कलर भी करोगे तब भी बहुत अच्छा जाता है ये। ये ब्लू कलर का स्पार्कल यूज कर रही हूँ मैं। इसी तरह से मैंने ऊपर पिंक स्पार्कल भी लगा लिया है, पिंक और गोल्डन। इसके बाद ये क्या है कि मैं ये बॉटल को सूखने के लिए छोड़ देंगे, 2-3 घंटे में अच्छे से ये ड्राई हो जाएंगे सारा। उसके बाद हल्का सा पानी लगा के फेविकॉल की एक लेयर मैं इसके ऊपर कर दूंगी। ये जितना भी मैंने स्पार्कल यूज किया था इसके ऊपर पानी के साथ फेविकॉल लगा रही हूं मैं ब्रश से। इससे क्या होगा कि ये जितना भी स्पार्कल है वो छूटेगा नहीं, ये यही इधर ही लॉक हो जाएगा फेविकॉल के साथ। जैसे हम हाथ से उठाएंगे या कहीं भी रखेंगे तो स्पार्कल डस्ट इससे झड़ेगी नहीं। ये इसी तरह से पानी और फेविकॉल के साथ में मैं पूरे जितना भी मैंने स्पार्कल यूज किया है उस पर सब पे इसको एक लेयर लगा दूंगी। ये भी व्हाइट लग रहा है लेकिन बाद में ये प्रॉपर स्पार्कल चमकेगा, व्हाइट कलर बिल्कुल अपने आप सूखने के बाद दिखाई नहीं देता है। अब ये सब जब हो गया है, वो जो मैंने फेविकॉल यूज किया था वो भी 1 घंटे के बाद मैंने ये टेप निकाल दिया है, वो भी सूख गया है। ये इक्वली पार्ट में अब हमें दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से ये मेरी बॉटल डेकोरेट हो गई है। ये मेरी नेक्स्ट बॉटल है जिसमें मैंने बैंगल्स का यूज किया है और ये जैसे कि मैं दिखा रही हूँ मेरे पास बहुत सारी बैंगल पड़ी हुई थी, रखी हुई थी, जो कुछ छोटी हो गई थी, कुछ का मीना खराब हो गया था, तो मैंने उसको इस तरह यूज कर लिया। ये कांच की बैंगल्स हैं जिस तरह से ये शो कर रही हूँ मैं, और ये अंदर की तरफ चला जाता है तो ये ऊपर हमने मीने का पार्ट या ऊपर का जो शाइनिंग पार्ट है वो आता है तो ये चुभता भी नहीं हाथ में। ये इक्वली मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं इसमें बाउल में। और ये है क्विफिक्स, क्विफिक्स या फेविकॉल, इन दोनों से ही ये पेस्ट हो सकता है।
तो ये मैंने इस पूरी बॉटल कर ली थी, ये मेरे पहले की भी थी, थोड़ा टाइम पहले की है मैंने, तो मैं दिखा देती हूँ ऊपर से कि किस तरह से की है। छोटे छोटे पार्ट कर लेंगे पहले बैंगल के और क्विफिक्स लगाते जाएंगे और इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ये जो मीने का पार्ट है, शाइनिंग पार्ट, ये ऊपर की तरफ आएगा जो दिखाई देगा सामने से हमें। ये बस इसी तरह से लगाते जाएंगे हम क्विफिक्स के साथ में, छोटे बड़े पीस जितना हमें जहां पर जिस तरह से हमें चाहिए उस तरह से पीस कर लेंगे। पीस करते हुए एक ध्यान रखना कि इसको डायरेक्ट मत क्रैक करना, इसको किसी कपड़े में या पॉलीथीन बैग में डाल के तब क्रैक करना, वो हाथ में लग सकता है। बस ऐसे ही जैसे मैं इसमें थोड़े से पार्ट में करके दिखा रही हूँ उसी तरह से पूरी बॉटल में मैंने किया है। इसी तरह से घुमाते जाएंगे और करते जाएंगे, पीस लगाते जाएंगे छोटे छोटे, छोटे बड़े जिस भी हिसाब से हमें चाहिए। ये जितने भी मैं ग्रीन पार्ट जो लगा रही हूँ बैंगल का लेयर में, ये पूरी एक बैंगल से हो गया है मेरा इतना। तो एक बैंगल को मैंने क्रैक किया है और उससे जितना भी मैंने आज कर रही हूँ ये अभी इस समय, ये पूरा एक बैंगल से है, तो हो जाता है फटाफट और सुंदर लगता है ये देखने में। इसमें हम कोई भी प्लांट लगा सकते हैं, जैसे मैंने पानी डाल के मनी प्लांट भी लगाया हुआ है, या आर्टिफिशियल फ्लावर रख सकते हैं, या ऐसे भी एज ए डेकोर पीस हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसी तरह से लगेगा, ये बैंगल के साथ जो मैंने बॉटल डेकोरेट किया है या स्पार्कल के साथ जो मैंने बॉटल की है, वो आपको कैसी लगी मुझे बताना अपने कमेंट्स में। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। आज की दोनों बॉटल्स आपको कैसी लगी मुझे बताना। थैंक।